राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के समापन समारोह में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जयपुर के विधायक माननीय अशोक लाहौटी जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के अध्यक्ष श्री विलास अवचत जी, मालदीप के आर्किटेक्ट के एशिया ग्रुप के प्रमुख अबू सईद जी, दिग्विजय दबरिया जी, और जो जिनकी कल्पना योजनाओं से राजस्थान के अंदर ये फेस्टिवल के रूप में जिसने अपनी एक पहचान बनाई, उसके आयोजक तुषार सोगानी जी, उनकी टीम के सभी सदस्यगण, देश के अलग अलग राज्यों से आए सभी आर्किटेक्चर वास्तुकला अलग अलग इससे जुड़े क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आर्किटेक्ट डिजाइनर हमारे देश की एक बड़ी पहचान बन चुकी है और इसकी पहचान बनाने में हमारी विरासत, हमारी ऐतिहासिक कला, हस्तकला, वास्तुकला, कला की अलग अलग विधाओं के कारण भारत का जब हम ऐतिहासिक स्वरूप देखते हैं, हमारी विरासत को देखते हैं, तो ये वास्तुकला हमारी बहुत पुरानी विरासत है और उस विरासत को हमने आधुनिकता के आधार पर, जहां विरासत भी हो और आधुनिकता का मिश्रण भी हो, वो विशेष रूप से राजस्थान में नजर आता है। जब दुनिया के टूरिस्ट यहां पर आते हैं तो यहाँ के किले, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ के मंदिर, यहाँ की कला, यहाँ की इमारतें, उसको भी देखने आते हैं। इसलिए राजस्थान की अलग अलग जिलों की अलग अलग पहचान, जिसने पूरे विश्व के विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है, और आप सब लोग उस विरासत को आधुनिकता में वास्तुकला और संस्कृति और डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बने, इसके लिए आपने एक नया प्रयास किया है। मई 2022 जयपुर में आयोजित पहले फेस्टिवल के अंदर 26 से अधिक देशों के 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुझे भी उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसमें आर्किटेक्ट कला, वास्तुकला, जीवंत संस्कृति को एक मंच देने का काम हुआ और आज इस कार्यक्रम की एक पहचान बन चुकी है। लोग इंतजार करते हैं कब ये फेस्टिवल होगा और कब हम राजस्थान आएंगे। राजस्थान
वास्तुकला के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को लेकर चल रहा है और ये यहाँ की रचनात्मक कला समृद्धि हम सबको आकर्षित करती है। समय परिवर्तन के साथ आर्किटेक्चर की डिजाइनें परिवर्तन हो गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई। अब तो कोई घर में छोटा मकान भी बनाता है तो वो मकान बनाने के पहले आर्किटेक्चर से डिजाइन बनाता है और डिजाइन के बाद फिर इस भवन के अंदर हर डिजाइनर से लेकर तमाम उस घर को उस बिल्डिंग को बनाने के अंदर एक्सपर्टाइज की डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने के कारण निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रोजगार का सृजन इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। किसी भी देश की विरासत को हम देखें तो वहां की विरासत वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की कला, वहां की संस्कृति से झलकती है। दुनिया के अंदर कई टूरिस्ट कई देशों में इसलिए जाते हैं कि वहां की विरासत की स्थापत्य कला, वहां का आर्किटेक्चर इतना सुंदर होता है कि वह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत में हमारी विरासत बहुत पुरानी है लेकिन इस 75 वर्ष के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नए आयाम खड़े किए। मैं बिल्डिंग की बात करूं तो आज देश के अंदर आज एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के भवन, बिल्डिंग, कला के केंद्र, प्रदर्शनी, फेस्टिवल के लिए जो जो समाज को आवश्यकता हुई उस आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्य होते चले गए। और आज हमें खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस विजन से काम किया है, आज रोड कनेक्टिविटी के अंदर जिस तरीके से हाईवे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी के अंदर हमारे एयरपोर्ट की डिजाइन हो रही है, रेल के संसाधनों को, रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हो रहा है, बस स्टॉप का पुनरुद्धार हो रहा है। एक विजनरी लीडर की पहचान होती है कि वह लंबे समय तक स्थायित्व रूप से किसी देश की प्रगति का आयाम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर महसूस करता है। आज हमने 9 साल के अंदर उन्होंने एक दिशा देने का काम किया और भविष्य में दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत एक नई दिशा बनाए और दुनिया के अंदर नए एक्सपो के लिए आप भारत मंडप अब देखो किस तरीके की डिजाइन की है। अब दुनिया की सेमिनार होंगे, एक्सपो होंगे, प्रदर्शनियां लगेगी, अब उसके साथ यशोभूमि का सेंटर, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे देश के अंदर अलग अलग जगह हो, इसकी आवश्यकता भारत में थी। उसके कारण विदेशी पर्यटक आएंगे, प्रदर्शनी लगेंगे, एक्सपो लगेंगे, कार्यक्रम होंगे, सेमिनार होंगे, तो दुनिया के पर्यटक भारत आएंगे। ये वर्तमान आवश्यकता है और उस आवश्यकता को मूर्त रूप और अच्छे स्वरूप देने का काम किया है आर्किटेक्चर ने और इसलिए हमारा आर्किटेक्चर बहुत विरासत में हमें मिला है और हमने इस आर्किटेक्चर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत की नई विश्व की चुनौतियां हैं उस चुनौतियों के अनुसार हमने आर्किटेक्चर को आधुनिकता में ढालने का काम किया। हमारे पुराने भवन हम जब देखते हैं तो रोशनी, पानी, ये तमाम चीज़ें हमारे आर्किटेक्चर नहीं थे,
लेकिन भवन निर्माण करने वालों ने छोटे मकान में भी निर्माण कराया है तो उसमें रोशनी का ध्यान रखा है, पानी का ध्यान रखा है, बिजली की बचत कम हो, पर्यावरण अनुकूल हो, एयर कंडीशनों का कम उपयोग हो, ये सब चीज़ें हमारी विरासत वास्तुकला का हिस्सा रहा है। और आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर एक दौर आया था जब सारी के सारा आर्किटेक्चर बिना रोशनी के, बिना जल पुनः भ्रमण के बनने का एक क्रम पूरे देश में चला था, भारत भी उस दिशा में चला था। आज जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते समय आर्किटेक्चर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से उसके टेम्परेचर को कम रखें और जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन को हम कम कर सकें। और सबसे ज़्यादा अगर कार्बन उत्सर्जन की कमी करनी है तो हमें इन भवनों में करने की आवश्यकता है, और ये हमारे लिए चुनौती है। हमने इस चुनौती का को लक्ष्य बना कर लिया है और इसीलिए भारत ने लाइफ ऑफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल इस दिशा में एक संदेश देने का दुनिया में काम किया है। G20 के अंदर इतना बड़ा देश हमारा है, लेकिन G20 ने हमने उन मुद्दों को जो वैश्विक मुद्दे थे, पर्यावरण का मुद्दा था, जलवायु का मुद्दा था, हमने क्लीन एनर्जी का मुद्दा था, हम एक विकासशील देश हैं और विकासशील देशों को आवश्यकता थी उद्योगिकरण करने की, उद्योग के साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, लेकिन हमने जहां औद्योगिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का काम किया, लेकिन हमने सस्टेनेबल रूप से जलवायु के सस्टेनेबल रूप से हमने ध्यान केंद्रित करने का काम किया। इसलिए आज जलवायु परिवर्तन के अंदर हम दिशा देने का काम कर रहा है तो भारत कर रहा है। आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर, वहाँ की संसदों के अंदर, वहाँ के डेमोक्रेसी के अंदर, वहाँ की लोगों के अंदर एक चर्चा होगी कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अगर दुनिया के अंदर भारत ने इस संकल्प को आगे बढ़ा दिया कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, जो हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति है, दुनिया के अंदर हमने हमेशा पेड़ पौधे से लेकर सबकी पूजा की है और ये हमारी विरासत का हिस्सा रहा है। अगर हमने हमारी लाइफ स्टाइल जीवन शैली को पर्यावरण अनुकूल बनाने का संदेश दुनिया को दिया तो जो आज हमारे सामने चुनौती है उस चुनौतियों का समाधान भी भारत निकालेगा, उसके लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कि जब आप आर्किटेक्चर के अंदर योजना बनाएं तो उसमें विशेष रूप से इन विषयों का ध्यान रखने का काम करें। मुझे आशा है कि अब कोई समय था कि हमारे कोई घर घर नल पहुंचाने की कोई योजना नहीं हुआ करती थी, गांव में कुएं बावड़ियाँ वो इतने स्वच्छ हुआ करते थे कि उससे ही हमारी सारी जीवन शैली का हिस्सा चलता था। तो ये सब हिस्से हमारे रहे हैं और इसीलिए हमें इस दिशा की ओर काम करना चाहिए। और हमारे आर्किटेक्ट स्टूडेंटों का हो, स्टोन इंडस्ट्रीज का हो, एंटरप्रेन्योरशिप का हो, नए डिजाइन का हो, कल्चर का हो, कंजर्वेशन का हो, हेरिटेज का हो, इन सब पर विचार मंथन, गहन अंधन, चर्चा, संवाद, विचारों का मंथन, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हमने हर विषयों पर, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, 3 दिन तक आप अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे। बेस्ट जो अच्छे आर्किटेक्चर हैं वो अपने अपने विषयों को रखेंगे। तो यही लोकतंत्र है कि विचारों का आदान प्रदान करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए काम करना, यह लोकतंत्र की ताकत है। और दुनिया के अंदर माना है कि लोकतंत्र की इसी ताकत से दुनिया के अंदर परिवर्तन हो सकता है। लोकतंत्र के द्वारा ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और लोकतंत्र के द्वारा ही
वैश्विक रूप से हम सबके कल्याण की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। यह आज की आवश्यकताएं हैं। अगर हमने इस दिशा की ओर काम करने का शुरू किया, हमने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को दुनिया के अंदर संदेश दिया, हमने कहा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये भारत का सोच और चिंतन है कि दुनिया के अंदर अगर विश्व का कल्याण करना है, सारे विश्व को अगर सबको मिलना है तो सामूहिकता से काम करना होगा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान सामूहिकता से निकालना होगा। हम देश की सीमाओं में बंधे हुए हैं, लेकिन हमारी कई ऐसी वैश्विक चुनौतियां हैं जो पूरे विश्व की चुनौतियां हैं। एक देश अगर चुनौतियों का समाधान करेगा, दूसरा उसका समाधान नहीं करेगा, तो वो चुनौती हमारे सामने बनी रहेगी। लेकिन वैश्विक रूप से साझे प्रयासों से अगर हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करेंगे तो दुनिया की भी प्रगति होगी और भारत की भी प्रगति होगी। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक हमारे मित्र तुषार सुंगा जी ने एक विषय रखा है कि आर्किटेक्चर एक्ट 1972 के संशोधन का विषय। ऐसे तो मेरा काम वह है कि जब बिल आता है तब मेरा सुनने का काम है, पक्ष विपक्ष संवाद और चर्चा, और लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत होती है उसका मैं विधेयक पारित होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो आपने विषय रखा है, मैं संबंधित मंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि 1972 के इस आर्किटेक्चर एक्ट में बदलाव हुआ। बदलाव कानूनों में हमने बहुत किया है। हमने हमारी भारत की संसद ने दुनिया के अंदर एक नए कानून की दिशा दी है कि हमने हमारे लोगों के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा बने हुए कानून लागू हों, इसलिए हमने जितने भी कानून अप्रासंगिक थे वो सरकार लाए, उनको रिफिल करने का काम किया। जिन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता उसके संशोधन लाए। लेकिन मुझे आशा है कि इस एक्ट के बारे में भी मैं संबंधित मंत्री जी को अवगत कराऊंगा, आपकी चर्चा कराऊंगा, ताकि इस एक्ट के अंदर नए संशोधन लेकर आए, आज की आवश्यकताओं, आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कानून बने, ये देश की आवश्यकता है। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।